से अच्छा। ये बनाया। हाँ एक बार दोबारा आप बताइएगा इसके बारे में सर। नहीं नहीं मैं तो गाइड तो नहीं हूँ। नहीं नहीं एक बार बताइए थोड़ा जानकारी बहुत अच्छा सारे देशवासियों को जानना चाहिए। हाँ ये सारे देशवासियों को जानना हाँ कि जो हमारे गवर्नमेंट ने भुला दिया है ना भारत सरकार ने एक बार दोबारा यही मैं दोहराना चाहता हूँ जो है कि ये जगह जो है मणिपुर का जो मोइरांग मोइरांग नाम का एक जगह है ये। उसी में जो जो उसी समय 1940 का उसी जमाने में पूरा के पूरा इंडिया पूरा ब्रिटिश के अंदर में थे ब्रिटिश के कब्जे में थे तब उसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय नेताजी और उसका जो आईएनए वहाँ पर स्थापित करके वहाँ पर जो मणिपुर की तरफ इस तरफ जो ब्रिटिश को हटाने के लिए निकालने के लिए जो आया था तो सबसे पहले जो ब्रिटिश का जो जगह मतलब जो है इंडिया का होल एरिया जो है ये मणिपुर का जो जगह में जो पहुंच गया यहाँ पर पहुंचने के बाद मणिपुरी बहुत लोग आईएनए में भर्ती हुई थी। तो ये घर जो है अभी जो है ये घर भी जो यहाँ पर जो थे आदमी वो भी आईएनए में भर्ती हुआ था और उसी के साथ उसी घर में नेताजी खुद यहाँ पर आके यही जगह ये घर में रुक के उसने आईएनए का जो फोर्स बनाया था उसके साथ यहाँ पर जो हेड क्वार्टर बनाया था जो एक छोटा सा एक हेड क्वार्टर मणिपुर का जो यहाँ पर बना के यहाँ पर इसी जगह में इंडिया का नेशनल फ्लैग जो है फ्रीडम जो फ्लैग जो है सबसे पहले इंडिया के यहीं पे लहराया गया और ये पूरा इलाके आज़ाद कराया गया था। पूरा एरिया जो है आज़ाद कराया था यहाँ पर भी आईएनए का फोर्स यहाँ पर रुके थे और यहाँ से नेपाल की तरफ ब्रिटिश के फोर्स के साथ जो लड़ाई हुई थी और वहाँ पर से बॉम्बिंग वगैरह जो है वो किया था बॉम्बाद में जो है वहाँ पर यहाँ से आके वो किया था ब्रिटिश के साथ जो लड़ाई हुआ था यहाँ से आईएनए का फोर्स आया था और ये जगह से फिर आप लोग रास्ते में मिले होंगे एक जो जगह है वार का वार मेमोरियल रास्ते में है वहाँ पर भी आईएनए का एक जगह है जापान का जापान का है ना वो रास्ते में है अच्छा। और इसी जगह में और भी है पूरा के पूरा आईएनए का फोर्ट का जो हथियार लोगों के साथ पूरा लाइब्रेरी यही मोइरांग में है मतलब जो है इंडिया का सबसे बड़ा आईएनए का फोर्ट का यही जगह में अभी यहाँ से आगे जाके देखिए अच्छा वो लाइब्रेरी भी है हथियार वगैरह जो है जितना जो उसी समय वो मतलब वो म्यूजियम है हथियार का म्यूजियम है पूरा की हिस्ट्री वहाँ पर पहुँच के आपको पता चलेगा। लेकिन ये घर इसलिए मणिपुरी गवर्नमेंट मणिपुर सरकार ने मणिपुर का आज का जो अभी का मिनिस्टर जो है जो श्री एन बीरेन सिंह उसी ने ये जगह को पूरा के पूरा मेमोरियल स्पॉट बना दिया है पूरा अभी आईएनए का और इंडिया का फ्रीडम का बारे में अभी सभी लोगों को इस जगह से हम जानकारी मिल रही है। ठीक है थैंक यू सर सो मच ठीक है।